अरे मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे श्री ने पुकारा, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे श्री ने पुकारा, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे श्री ने पुकारा। ये कैसे हो सकता है? हरि को श्री की आवाज दूसरे कमरे से सुनाई ही नहीं दे सकती। इस भ्रमजाल से तो आवाज आना नामुमकिन है। ऐसा नहीं है हरि, पंडित जी आप क्यों रुक गए? विभीत जारी रखिए। ओम रीम नाम चंदन नमः, ओम नाम रीम चंदन नमः, ओम नाम रीम चमुंडा नमः, ओम रीम नाम चंदन नमः, ओम नाम रीम चंदन नमः। कन्यादान का वक्त आ गया है। की भाभी आपकी तो साड़ी गीली हो गई है। माँ इसे ले जाकर भाभी की मदद करो ना। चलो मेरे साथ। नहीं पहले साड़ी सुखा लीजिए भाभी, तब बताइएगा बात क्या है। माँ चाहिए ना। चलिए पंडित जी, आप बार बार रुक क्यों जाते? विधि जारी रखिए। रुक जाइए हरि, ऐसा मत कीजिए। श्री रुको, मेरी बात सुनिए। श्री कुछ मत बोलो। पर मंगड़ा भी कुछ तो करना होगा, हम अपने घर को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। शायद इस भोज पत्र में लिखा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ मिल गया। जैसे उस दुष्ट आत्माओं के तीन वस्तुएं जल जाएं, वो बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगे जिसे उसने अपने काले जादू से बनाया है। अब भी हमारे पास वक्त है मंगला बहन, अब भी उस कन्या की शादी पूरी नहीं हुई है और ना ही अब तक मैंने हार मानी है और ना ही वो कन्या जीती है।
जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ओम रीम नाम चामुंडा नमः। ओम नाम रीम चामुंडा नमः। ओम नाम रीम चामुंडा नमः। ओम रीम नाम चामुंडा नमः। क्या कहा तुमने? मंत्र पढ़िए पंडित जी, समय नहीं बचा। ये सब उस श्री की पूजा की वजह से हो रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मधु भाभी, ये है बिंदिया की पहली साड़ी, इसे चला दो। ये क्या हो रहा है? ये कंगना की भेजी गई प्रेत आत्मा है और हमारे आसपास की हवा खींच रही है। तो भाभी, इसलिए आंख भी कम हो रही है। यह बहुत जल्दी हमारे शरीर से हमारे प्राण खींच लेगा। को हरा कर तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई श्री, पर तुम्हें सिर्फ ये लगता है, ऐसा है नहीं। कंगना की पहली साड़ी जलते ही वो भ्रम जाए टूट जाएगा। जाओ श्री, जाओ और वो शादी को रोक दो।
ये रुक जाइए, शादी मत कीजिए, रुक जाइए। ये टूट क्यों नहीं रहा है? ये भ्रमजाल तो अभी तक वैसा ही है। तो कहा था कंगना की पहली साड़ी जलते ही ये भ्रम जाल टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंगना बहन, हमारे पास वक्त बहुत कम है, कुछ कीजिए। मुझे नहीं पता श्री, मुझे नहीं पता। भोज पत्र में तो यही लिखा था कि ये लाल साड़ी, ये तो हमने अभी अभी जलाया था। ये पकड़ो, ये तीनों साड़ियां तो यहाँ पे है, तो हमने जलाया क्या था? मंगला बहन, गलती से हमने तो भोज पत्र जलाया है। गए ना अरमान खाक, मैंने कहा था ना तुझे सिर्फ लगता है कि तू मुझसे जीत पाएगी। मैंने ही दृष्टि भ्रम करके इस भोज पत्र को साड़ी का रूप दिया था। केवल फेरे बाकी है, फेरों के लिए वर वधू दोनों खड़े हो जाएं। नहीं, रुक जाइए, अरे मत कीजिए ऐसा। क्या हुआ हरी, तुम घबरा क्यों रहे हो? हमारी शादी होने वाली है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सारे दर्द मैं ले लूंगी, बस एक बार हम एक हो जाएं, तुम्हारी सारी घबराहट सारी चिंताएं एक पल में दूर हो जाएंगी। मत सुनिए उसकी बात। आओ फिर ले ले। क्या हुआ हरी, आओ फिर ले लेते हैं। हाँ उठो, हम लोग हार गए। बस अब कुछ ही देर बाकी है, फिर तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाओगे।
ना केवल इस जन्म के लिए बल्कि जन्म जन्म के लिए, ना केवल इस जन्म के लिए बल्कि जन्म जन्म के लिए, बल्कि जन्म जन्म के लिए। हरी जन्म जन्म तक मुझसे ही बंधे हैं। खुद भोलेनाथ जी ने हमारी जोड़ी बनाई और मैं अपने पति को हर हाल में पाकर ही रहूं। भोज पत्र के बिना हमें कैसे पता चलेगा कि इसका काला जादू हम कैसे तोड़े? श्री और हरि की जोड़ी तो सनातन है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, बस उस पर विश्वास करना सीखो। हरि को तुम्हारी मदद की जरूरत है और हरि की मदद तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। इसे अपने पास रखना, जिसके साथ भगवान स्वयं है वो हमेशा विजयी होता है। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। मेरे विश्वास की शक्ति मेरे साथ है, मेरे प्यार की पवित्रता मेरे साथ है, तो मुझे किसी और के सहारे की कोई जरूरत नहीं। उस कंगना का काला जादू तो मैं देख चुकी हूं, अब वो कंगना देखेगी कि मैं क्या कर सकती हूं। कुछ करना है जल्दी जाकर खत्म करो पंडित, वक्त नहीं है हमारे पास। माची, आप हाँ क्यों कर रही हो ये सब? हरि और बिंदिया की शादी क्यों नहीं होने देती? क्यों चैन से नहीं जीने देती उन दोनों को? छोटी बा, आप ये क्या कह रही है? चुप रहो तुम। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस लड़की से बात कर रही हूँ। पर माजी, आप मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? आपने तो कहा था कि आप मेरा साथ देंगी और मैं आपकी बहू हूँ। माजी, मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू माना ही नहीं। जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। अगर किसी को मैं अपनी बहू मानती हूँ तो वो बिंदिया है। माजी, इनकी बातों में मत आना। ये माजी नहीं है, ये तो कंगना का भ्रम जाल है। ये चाहते हैं कि तेरी पूजा में रुकावट आए, लेकिन तू पूजा जारी रख। ये कंगना की सहायक प्रेत आत्मा है। श्री, मैं कहती हूँ मेरी बात मान। ये चाहते हैं कि तुम्हारी पूजा में रुकावट आए। बैठ जा, नीचे बैठ, पूजा जारी रख। श्री, मैं आ गया।